हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक रेसिपी लेकर आए हैं, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप लोगों को पता चल गया हम क्या बनाने वाले हैं। तो ये है गरीब लोगों को खाने का रेसिपी। तो देखते रहिए कैसा बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और रोज़ रोज़ नए नए वीडियोज़ देखें। तो चलिए देखते हैं। आज पता चल गया आप लोगों को हम क्या बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, हमारी जो किचन गार्डन में साग है उसको हम तोड़ के बनाएंगे। तो आप लोग देखिए, ये हम तोड़ रहे साग, ये चने का साग है, सब में से तोड़ के मिक्स वाला साग बनाएंगे। तो देखिए गाइस, हम सारे सागों को तोड़ लिए हैं। ये हमारी किचन गार्डन का साग है, मिक्स है। तो देखिए, इसको हम अगर बनाएंगे तो बहुत ही टेस्ट बनता है, कैसे मिक्स है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको हम बनाएंगे, तो देखते रहिए हम पूरी रेसिपी को कैसे बनाते हैं। गाइस देखिए, जो हम गार्डन से साग निकाले हैं उसको हमने साफ करके काट लिए हैं। और ये लिए है प्याज, ये लिए लहसुन, ये हरी मिर्च और दो सूखा मिर्च। और ये दोनों सूखा मिर्च हम जो आलू का चोखा बनाने वाले हैं उसमें डालने वाले हैं। और ये हमने जो नया आलू है उसको हम मीडियम साइज़ का 3 ले लिया, कुकर में डाल के 3 सीटी लगा लेंगे। इसको हम चोखा बनाएंगे आलू के। और ये लिए हैं हम वो बारीक वाला चावल आते हैं वो टुकड़ा, तो इसके हम आज बनाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए गरीब को खाना कैसा बनता है। गैस एक कढ़ाई ले लिया हमने, और ये जो बारीक वाला चावल है ना, ये हम 20 मिनट पहले से भिगो कर रखनी है पानी में। तो देखिए कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में हम डाल देते 1 चम्मच तेल, 2 चम्मच तेल डालते, तेल थोड़ा गर्म होने दो। तो गाइस देखिए, तेल हमारा गरम हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, हम फ्राई होने दें, ब्राउन तक हम इसकी इंतज़ार करेंगे। तो देखिए गाइस, ब्राउन हो चुका है। हम आप डाल देंगे इसमें प्याज, प्याज को भी थोड़ा ब्राउन कलर कर लो। हम लहसुन को भी डाल देते, ब्राउन तक हम इंतजार करेंगे। देखिए गाइस, हमारी जो प्याज है वो बहुत ही अच्छा से एकदम भून गया है, कलर भी बहुत बढ़िया आए है। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाली थी कलर आने के लिए, कहें हम साग बना रहे थे उसमें हम हल्दी नहीं डालने वाली है, तो हमने बोले थोड़ा सा प्याज में डाल देते तो कलर थोड़ा अच्छा है। तो अब हम डाल देते हमारी जो साग है, अच्छे से मिला ले। तो गाइस इसमें हम अब डाल देते हैं जो हम हरी मिर्च काट के रखे थे उसको, और ध्यान रखें ज़्यादा नमक ना डालें साग में। इसको हम ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद देखते। गाइस हम 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे और देखते हैं। देखिए हमारी जो साग है इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डाले हैं, ये अपने आप पानी छोड़ता है और इसी में ये गल जाते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया से एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो देखिए, तो अब हम ढक के नहीं पकाएंगे, ऐसे पानी सूखने के लिए छोड़ देते 5 मिनट के लिए। गाइस देखिए, हम खोल के ढक्कन खोल के हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही कढ़ाई
कढ़ाई में हम पकाया है, तो ये देखिए अभी पानी पूरा सूख गया है, बहुत बढ़िया बन गया है। तो इसको हम अब निकाल लेंगे कढ़ाई से, पूरा तैयार हो गया। गाइस हम एक बर्तन में पानी ले लिया है और इसको हम उबालने के इंतज़ार करेंगे। जब एक उबाल आ जाएगा तो हम इसमें वो भीगे हुए जो चावल है उसको डालेंगे। वैसे ये हमारे साग बन के तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बन गया है, ये देखिए बहुत ही अच्छा बने हैं। तो देखिए गाइस हमारी जो पानी है कितना अच्छे से उबल गया है। अभी इसमें हम भीगा हुआ चावल था उसको डाल देते। हम इस पे चला लेंगे, इसको हम एक से डेढ़ मिनट तक पका लेंगे। देखिए गाइस हमारा जो चावल है वो अच्छे से एकदम उबल गया है। अभी इसको जो पानी है हम निकाल लेंगे। गाइस देखिए हमारे चोखा बनाने में क्या क्या लगता है। ये आलू हम उबाल लिए है और ये ली मैंने दो ठो सूखा मिर्च फ्राई करके ली, और ये नमक और ये प्याज है इसको मैंने बारीक काट ली। अभी इसमें थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे और सब मिला के चोखा बनाएंगे। देखिए गाइस हमारा जो राइस है चावल है वो बहुत ही अच्छा बन गया है। तो हम इसको अब थाली में निकाल लेते हैं और आप लोगों को साथ में शेयर करते हैं। तो गाइस रेडी हो गए हमारी गरीब की जो खाना है, तो देखिए कितना बढ़िया है। कैसे हम गरीब लोग खाते हैं, हम गांव जाएंगे तो आपको गांव का खाना भी बनाना दिखाएंगे। हमारे गांव में भी ऐसे ही खाते हैं। ये जो है हरी लहसुन का चटनी है, तो बहुत ही अच्छा लगता है गरम गरम चावल के साथ में, और ये उबले हुए चावल है। तो आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगता है गरीब का खाना, बहुत ही टेस्ट होता है। तो गाइस अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और कमेंट्स में बताएं कैसे लग रहा है। तो बाय गाइस, देखिए नज़दीक से।